इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें H2PO4- आयन है और साथ में उसके Na+ कटायन है। क्वेश्चन बोल रहा है दिस इज कन्वर्टेड टू, दिस H2PO4- इज कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट .6H2। कैसे इसको कन्वर्ट किए? बाय रिएक्टिंग दिस विद मैग्नीशियम एंड अमोनियम। तो हम लोगों ने मैग्नीशियम और अमोनियम ऐड कर दिया, मैग्नीशियम और अमोनियम ऐड कर दिया। बोलता है ये जो मिला इसको फर्दर हम लोगों ने हीट किया और हम लोग को मिला Mg2P2O7। बोलता है मास ऑफ दिस ऑक्टेन इज, मास ऑफ दिस ऑक्टेन इज 1.054 ग्राम। ये 1.054 ग्राम मिला। क्वेश्चन पूछ रहा है NaH2PO4 का मास कितना है। मास ऑफ NaH2PO4 जो यहां था उसका मास कितना है? तो देखो कैसे है? हम लोग बोलेंगे ये जो था यहां पर एक्स मोल था। तो देखो यहां पर वन फास्फोरस एटम, यहां पर वन फास्फोरस एटम। तो अगर ये एक्स मोल होगा तो ये भी तो आपका एक्स मोल होगा ना, ठीक है ना? यहां वन फास्फोरस, यहां टू फास्फोरस, तो इसका कितना मोल हो जाएगा? इसका हो जाएगा x/2 मोल हो जाएगा। मोल्स ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस कंजर्व, ठीक है? यहां जितना फास्फोरस वही इतना, उतना ही फास्फोरस यहां और उतना ही फास्फोरस यहां होना चाहिए। तो x/2 मोल हमें ये मिला ना। तो अगर ये हमें x/2 मिला है तो इसका मास कितना आएगा? इसका मास होगा x/2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, ठीक है? तो आएगा 222 ग्राम। तो इतना ग्राम आया, दिया कितना? इतना। तो हम लोग बोलेंगे इंप्लाइज दैट x×222 = 1.05। यहां से x को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो x आएगा 2×1.054/222। तो इतना मोल है। तो मास ऑफ NaH2PO4 क्या होगा? NaH2PO4 कितना मोल होगा? x मोल ही होगा ना। तो x मोल हुआ 2×1.054/222। इसको मल्टीप्लाई करें, ये मोल ऑफ NaH2PO4 है, इसका मोल है मॉलिक्यूलर वेट से या मॉलिक्यूलर मास से। तो 2×1.054/222 मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका 120 ग्राम आता है। सॉल्व करेंगे, आंसर 1.14 ग्राम आया। चेक कर लेंगे 1.14 ग्राम आएगा आफ्टर कैलकुलेशन।